for every professional, every educated being, everybody who's doing very well in their career, I think they should go back and give back to the society, give back to the people who really need us. And this is what I feel the Deloitte Employee Giving Program has done to our Bijwasan Center. It is unimaginable how the center has become a center for excellence with your support. Women in the community, we have been able to support with several skill development programs, you know, the beautician program, the tailoring program. मेरा नाम भी जमीला है और मैं यहाँ पर ब्यूटिशन सिखा रही हूँ. बहुत सारे जैसे गरीब घर के लेडी से आती हैं, उनको मैं सिखाती हूँ. मैं 40 बच्चों को ब्यूटिशन कोर्स सिखाती हूँ हर साल. उसमें से कम 10-15 बच्चे कामयाब होते हैं. मेरा नाम पूजा है और सिलाई करते हुए मुझे ये 6 महीने हो चुके हैं और सिलाई के कोर्स के बाद मैं खुद की शॉप खोलूँगी. मेरा नाम किरण सैनी है. मैं लिटरेसी इंडिया बिजवासन में सिलाई सिखाती हूँ. हर साल हम लोग 80 बच्चों को पास कर देते हैं. हर एक बैच में 20 बच्चे होते हैं. तो जो लोग यहाँ से सीख कर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों से हमारा रिश्ता नहीं रहता है. तो उनको कुछ भी काम की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हम करते हैं. The holistic approach of our project had been that we have created a lot of women entrepreneurs within the community. We have given them business loan. We have helped them set up their own small little shops, boutiques, saloons. मैं सिलाई के दुकान और शॉप खोल रखी हूँ जिसमें मैं दूसरे को कपड़ा सिलती हूँ. मैंने सिलाई का कोर्स कोरोना काल में ज्वाइनिंग किया. हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती थी, उनको मैंने अटेंड किया. जब से मैं आत्मनिर्भर हुई हूँ तब से मैं कुछ भी कर सकती हूँ. अपना सिलाई करके यहाँ रह के घर खर्चा किराया सब निकाल सकती हूँ. मेरी एक स्टूडेंट है, आशा है. 2 साल पहले उसने मेरे पास पार्लर का कोर्स किया है. वो अपना शॉप खोला है. अभी वो अच्छा से चला रही है, बहुत खुशी है उसको मैं पार्लर का कोर्स करके. कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ही काम स्टार्ट किया था. फिर मुझे लगा कि मुझे खुद का ही अपना करना चाहिए, बट मेरे पास पैसे थे नहीं. तो मैंने मैम से बात की तो उन्होंने मुझे लोन के बारे में बताया कि लिटरेसी 0% इंटरेस्ट पे लोन देता है. तो मैंने अप्लाई किया. तो जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे वहाँ से 1 महीने से भी पहले लोन मिल गया था. उसके बाद मैंने अपना शॉप स्टार्ट किया. सिर्फ यही नहीं कि मुझे करने के लिए काम मिला, बल्कि मुझे आत्मविश्वास भी मिला. दिस प्रोजेक्ट इज़ एबल टू ब्रिंग लॉट ऑफ चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द कम्युनिटीज. यू नो, नाउ पेरेंट्स आर अलाउइंग देयर डॉटर्स टू गो फॉर हायर एजुकेशन और परस्यू सम करियर. लिटरेसी इंडिया में वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ और साथ में डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स कर रही हूँ. और हम इसमें वेब पेज बनाते हैं, वेब पेज डिज़ाइन करना सीखते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और कोडिंग करते हैं. और यहाँ रेगुलर क्लासेस होती है. जिसके पास घर पर सिस्टम नहीं है वो यहाँ पे रोज़ आके काम कर सकते हैं. Children who are from various government schools in the locality, they come from various villages, and in these villages education is, as we all know, is not so great.
our center had been able to provide a lot of support in their tuitioning program. This whole journey had not been possible if we had not had Deloitte employee giving support. And this gave us courage, you know. This actually gave us courage to do more, and we are fully charged to do more.